हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद यतिमन। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज में, जिसमें हम राजस्थान के प्रमुख संत इससे संबंधित प्रश्न करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन है, संत धन्ना का जन्म कहाँ और कब हुआ था? संत धन्ना का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है, संत धन्ना का जन्म टोंक जिले के धुवन गाँव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था। संत धन्ना का जन्म टोंक जिले के धुवन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था। संत धन्ना ने अपना गुरु किसे बनाया था? संत धन्ना ने अपना गुरु किसे बनाया था? आचार्य रामानंद को संत धन्ना ने अपना गुरु बनाया था। रामानंद के बहुत सारे शिष्य थे, जिसमें संत धन्ना जो थे वो प्रमुख थे। तो संत धन्ना ने अपना गुरु किसे बनाया था? रामानंद को। संत धन्ना कौन सी धारा के प्रवर्तक थे? संत धन्ना कौन सी धारा के प्रवर्तक थे? तो ये निर्गुण धारा के प्रवर्तक थे। संत धन्ना ने ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन किसे माना है? संत धन्ना ने ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन किसे माना है? तो इन्होंने गुरु नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का साधन माना है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, पीपा संत से पहले कहाँ के शासक थे? अब हम संत पीपा के बारे में पढ़ रहे हैं। जो संत पीपा थे वो संत बनने से पहले कहाँ के शासक थे? तो ये खीची राजपूत गागरोन झालावाड़ के शासक थे। गागरोन झालावाड़ के शासक थे। अगला है, पीपा ने अपना गुरु किसे बनाया? तो संत धन्ना, पीपा, इनके गुरु कौन थे? आचार्य रामानंद। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन सेवन, पीपा के निवेदन पर उनके गुरु आचार्य रामानंद द्वारिका यात्रा पर जाते हुए कहाँ पधारे थे? पीपा के निवेदन पर उनके गुरु आचार्य रामानंद द्वारिका यात्रा पर जाते हुए कहाँ पधारे थे? तो पीपा ने उन्हें निवेदन किया था कि वो गागरोन में आए, ठीक है, तो गागरोन वो आए थे। संत पीपा ने किसे अपनी दौलत को संतों में बांट देने को कहा और अपना शिष्य बनाया? तो संत पीपा को अपना गुरु बनाया था टोंक के शासक सूरसेन ने। इन्होंने संत पीपा के कहने पर संतों को अपनी दौलत बांट दी थी और इनको अपना गुरु बना लिया था। पीपा जी का भव्य मंदिर कहाँ है? संत पीपा जी का मंदिर कहाँ है? तो इनका मंदिर है बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में, ठीक है, बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में किसका मंदिर है? पीपा जी का मंदिर है। संत पीपा से संबंधित प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? संत पीपा से संबंधित प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो इनसे संबंधित ग्रंथ देखिए, पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी और साखिया। तो इनके नाम से ही जुड़े हुए हैं इनके ग्रंथ, याद करने में आसान रहेगा, पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी और साखिया। नेक्स्ट है, संत पीपा के द्वारा हस्तलिखित ग्रंथ कौन सा है? तो संत पीपा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? उन्होंने चेतावनी नामक ग्रंथ लिखा। संत पीपा के द्वारा हस्तलिखित ग्रंथ का नाम है चेतावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसके समर्थक जो हैं, प्रवर्तक जो हैं, वह जाम्बू जी को माना जाता है, जिन्होंने 1435 ईस्वी में विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। जाम्बू जी का जन्म कहाँ हुआ था? जाम्बू जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1451 ईस्वी को नागौर में हुआ था। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में जाम्बू जी का जन्म हुआ था। जाम्बू जी ने अपने अनुयायियों को कितने सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया था? तो जाम्बू जी ने विष्णुई संप्रदाय लेकर आए थे, तो इन्होंने अपने अनुयायियों को 20 और 9 यानी कि विष्णुई 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया था। किस लोक संत को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है? तो एकमात्र लोक संत जिन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहते हैं, उनका नाम है संत जाम्बू जी। संत जाम्बू जी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
जाम्बो जी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? जाम्बो जी द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इनके ग्रंथ हैं, इनके नाम से ही देख लीजिए, जम्ब संहिता, जम्ब सागर शब्दावली, विश्नोई धर्म प्रकाश और जम्ब सागर। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल भी याद रह जाएगा, जाम्बो जी के द्वारा रचित ग्रंथ जम्ब संहिता, जम्ब सागर शब्दावली, विश्नोई इनके संप्रदाय का नाम, विश्नोई धर्म प्रकाश तथा जम्ब सागर। जाम्बो जी ने जहां अपना शरीर त्यागा उस स्थान को क्या कहते हैं? जाम्बो जी ने अपना शरीर जहां पर त्यागा उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मुकाम। अब देखिए, जाम्बो जी के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं जसनाथ जी के बारे में। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर में हुआ था। जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर कतरियासर में हुआ था। देखिए, मैंने सभी क्वेश्चन जो है वे इंक्लूड किए हैं, लेकिन बाई चांस अगर एक भी क्वेश्चन रह जाता है तो वो भी मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, जब मैंने आरबीएससी की 6 से 10 तक की हिस्ट्री कंप्लीट करवाई थी। ठीक है, तो इसके इनके साथ साथ आप पिछले जो वीडियोस हैं आपके हिस्ट्री के 6 से लेकर 10 क्लास तक की आरबीएससी के, वो क्वेश्चन भी आप साथ में करते जाइए, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन गलती से छूट भी जाता है तो वहां आपको मैंने सब कुछ करवाया है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि कोई क्वेश्चन गलती से रह जाता है। तो जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? कतरियासर बीकानेर में 1482 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, जसनाथ जी ने गोरखमलिया बीकानेर में कितने वर्ष तक कठोर तपस्या की थी? तो जसनाथ जी ने बीकानेर में तपस्या 12 वर्ष तक की थी। अगला है, किस दिल्ली सुल्तान ने जसनाथ जी के चमत्कारों से खुश होकर कतरियासर जो बीकानेर में है यहां पर इन्हें भूमि दी थी? तो वो दिल्ली सुल्तान थे सिकंदर लोदी, जिसने जसनाथ जी को देखकर इनके चमत्कारों से खुश होकर इन्हें भूमि दी थी। जसनाथ जी और जाम्बो जी, इन दोनों का परस्पर मिलन कब हुआ था? तो ये दोनों कब मिले थे? 1500 ईस्वी में ये दोनों मिले थे। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? तो इनके जो उपदेश हैं वह सिंबुदड़ा व कोड़ा, इसमें संग्रहित हैं। जसनाथ जी के उपदेश सिंबुदड़ा और कोड़ा, इन दोनों ग्रंथों में संग्रहित हैं। जसनाथ जी का मेला कतरियासर जो बीकानेर में है यहाँ कब लगता है? तो जसनाथ जी का मेला जो है वह 3 बार लगता है साल में, आश्विन शुक्ल सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को और चैत्र शुक्ल सप्तमी को। ठीक है, शुक्ल सप्तमी को लगता है, आश्विन में, माघ में और चैत्र में। लालदास संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? लालदास संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं लालदास जी। लालदास जी का जन्म कब हुआ था? तो लालदास जी का जन्म जो है वह कब हुआ था? इनका जन्म अलवर में हुआ था श्रावण कृष्ण पंचमी को 1504 ईस्वी में। लालदास जी का जन्म श्रावण कृष्ण पंचमी को 1504 ईस्वी में अलवर जिले में हुआ था। लालदास जी ने दीक्षा किससे ली थी, यानी इन्होंने अपना गुरु किसे बनाया था? तो इन्होंने दीक्षा जो है वह फकीर गदन चिश्ती से ली थी। फकीर गदन चिश्ती से लालदास जी ने शिक्षा ली थी। नेक्स्ट है 27, मुसलमान लालदास जी को क्या मानते हैं? मुसलमान लालदास जी को क्या मानते हैं? तो ये इन्हें पीर मानते हैं। मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। अगला है, लालदास जी का मुख्य काव्य ग्रंथ कौन सा है? लालदास जी का मुख्य काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो इनका जो ग्रंथ है वो है चेतावनिया। लालदास जी का मुख्य काव्य ग्रंथ कौन सा है? चेतावनिया। तो आज हम यहीं तक करेंगे, आज हमने 28 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट संतों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 29 से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।